नमस्कार, मैं हूं अमिताभ अग्निहोत्री। राजनीति के राज इस कार्यक्रम में ये दूसरा अध्याय है अब, जिसको आज हम लोग सुनेंगे, देखेंगे, जानेंगे। 1992 का दौर पूरे देश में राम मंदिर आंदोलन का ताप शिखर पर था। दिल्ली से लखनऊ तक की सियासत अयोध्या के इर्द गिर्द सिमटी हुई थी। लखनऊ में कल्याण सिंह का शासन था और दिल्ली में पीवी नरसिंह राव का। साधु संतों का भारत की राजनीति पर, भारत के समाज पर उतना प्रभावी नियंत्रण शायद ही कभी दिखा हो आजादी के बाद, जितना उस दौर में दिख रहा था। साधु संत बैरागी उन सब के पीछे यहां की सरकार भी और वहां की सरकार भी, सब कुछ लग रहा था कि अयोध्या के इर्द गिर्द आके ठहर गया है, सिमट गया है। उसी दौरान प्रधानमंत्री नरसिंह राव की ओर से एक इच्छा व्यक्त की गई कि अयोध्या आंदोलन के कुछ बड़े नेतृत्वकर्ता संतों से वो व्यक्तिगत तौर पर मिलना चाहते हैं। अयोध्या आंदोलन का जो संत पक्ष था उसका नेतृत्व राम जन्मभूमि न्यास के उस समय के अध्यक्ष परमहंस रामचंद्र दास कर रहे थे। फक्कड़ स्वभाव था, कबीर जैसा मिजाज था, बहुत जल्दी महंत जी को गुस्सा भी आ जाता था, लेकिन बिल्कुल आप ये कहिए कि क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा वाला स्वभाव। संदेश पहुंचा और संदेश मालूम कौन लेके गया? ये संदेश साधु संतों तक पहुंचा हाल ही में भाजपा में आए जितिन प्रसाद के पिताजी जितिन प्रसाद के जरिए। जितिन प्रसाद जी उस वक्त बहुत ताकतवर थे केंद्र की सरकार में, वो प्रधानमंत्री के पॉलिटिकल एडवाइजर थे, राजनीतिक सलाहकार थे, तो बहुत सारी भूमिकाओं में जितिन प्रसाद थे। अब बाबा लोगों तक ये मसला बात पहुंच गई कि प्रधानमंत्री जी मिलना चाहते हैं। अब सन्यासी तो सन्यासी, महंत रामचंद्र दास ने कहा कि भाई मिल तो लेंगे, लेकिन हमने सुना है कि प्रधानमंत्री के निवास में झमेला बहुत है आने जाने में, इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, इधर से गुजरो, उधर से गुजरो, ये जांच वो पड़ताल, और ये सब हम नहीं कराएंगे, हम तो सीधे आएंगे और सीधे प्रधानमंत्री से मिलेंगे। अब ये भी पंगा, इंदिरा जी की हत्या के बाद से प्रधानमंत्री के सुरक्षा का प्रोटोकॉल बदल चुका था पूरा। यह संभव नहीं कि कोई प्रतिनिधिमंडल बिना उस प्रोटोकॉल से गुजरे हुए सीधे प्रधानमंत्री तक पहुंच जाए। और उस दौर में अयोध्या आंदोलन का नेतृत्व करने वाले साधु संतों के को भी इस प्रोटोकॉल को मानने के लिए राजी कर लेना संभव नहीं था। खैर, किसी तरीके से जितिन प्रसाद ने मैनेज किया और इतने हुआ कि अनलिस्टेड मुलाकात साधु संतों की होगी। 5 या 6 साधु, अगर मैं सही याद कर पा रहा, साधु संत महंत रामचंद्र दास के साथ आए। अब आप पूछेंगे कि भाई ये किस्सा मैं इस आंखों देखी अंदाज में कैसे बता पा रहा हूं, मैं तो वहां था नहीं, कोई नहीं था, जितिन प्रसाद, साधु संत और नरसिंह राव। इसलिए क्योंकि अगले दिन मैं मिलने गया परमहंस रामचंद्र दास से और मैंने उनसे कहा कि महाराज पूरा किस्सा बताइए विस्तार से, तो ये आप तक वो वर्जन में पहुंचा रहा हूं जो परमहंस ने मुझे सुनाया। प्रधानमंत्री मिले, संतों को
पांव धोकर उनका स्वागत किया, दिव्य फलाहार कराया। संत गदगद। ये पहली मुलाकात थी अयोध्या आंदोलन के नेतृत्वकर्ता संतों और नरसिंह राव के बीच में। उससे पहले संतों के दिमाग में बस यही तस्वीर थी कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए ये मंदिर विरोधी हैं। और लेकिन नरसिंह राव का व्यवहार जब उन्होंने देखा तो गदगद हो गए। बात आई कि मंदिर बनना चाहिए। संतों ने कहा कि बकौल परमहंस, उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि इतिहास में अमर हो जाओगे अगर मंदिर बनवा दो, सारी बाधाएं दूर करो और मंदिर बनवाओ। तो नरसिंह राव ने जो जवाब दिया, उस जवाब ने उस समय जो संत मंडली थी उसको, उसके हृदय को छू लिया। उन्होंने कहा, नरसिंह राव ने, कि परमहंस जी, नरसिंह राव तो चाहता है कि अयोध्या में मंदिर बने और तत्काल बने, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री के हाथ बंधे, उसकी भूमिका थोड़ी अलग है महाराज। संतों को ये बात थोड़ी थोड़ी समझ में आई। उन्होंने कहा कि भाई चलो, कम से कम इतना तो हुआ कि नरसिंह राव चाहते हैं कि मंदिर बने, यानी व्यक्तिगत तौर पर यह भी राम भक्त है, ये तो प्रमाणित हुआ। उसके बाद नरसिंह राव जी ने उनको प्रधानमंत्री निवास घुमाया, संतों को वो स्थान दिखाया जहां वो पूजा करते थे, अपना पूजा कक्ष। संतों को बताया कि कई बार मैं पूजा में बैठता हूं तो ध्यानस्थ हो जाता हूं, समाधि अवस्था में चला जाता हूं। संत गदगद। अगले दिन जब मुझे मिले महंत रामचंद्र दास परमहंस, तो वो नरसिंह राव से बेहद प्रभावित नजर आ रहे थे मुझे। और उन्होंने कहा कि भाई अग्निहोत्री जी, राजा तो राम भक्त है। बोले ऐसे ही लोग झूठ मूठ कहते थे कि नरसिंह राव अयोध्या खिलाफ है, मंदिर खिलाफ है। हम लोगों ने देखा कल, बड़ा श्रद्धावान राजा है। बाद में जब 6 दिसंबर 1992 की घटना घटी और वो परिस्थितियां बनी, उसके बाद भी साधु संतों को, अयोध्या के साधु संतों को कभी नरसिंह राव से बहुत शिकायत नहीं रही। राजनीतिक तौर पर टीका टिप्पणियां अलग हुई होंगी, लेकिन उस घटना अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 की घटना के बाद भी मैंने अयोध्या आंदोलन से जुड़े तमाम बड़े संतों से व्यक्तिगत तौर पर जब बात की, तो नरसिंह राव का चित्र उनके मन में एक राम भक्त का चित्र रहा, एक आस्थावान हिंदू का चित्र रहा। धन्यवाद।